हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। इसमें बहुत सारे फार्मूले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो वीडियो पड़े भी हुए हैं। हमने बहुत सारे फार्मूले बनाए थे, कि वीडियो बहुत सारे फार्मूले उसमें लिखा है, फार्मूले उसमें ऐसा लिखा नहीं है, फार्मूले वर्ड गलत है, फार्मूला का प्लूरल फार्मूले होता है, तो उसी की हम यहाँ पर उसका यूज करेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा तब यहाँ पे आइए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये बताया गया था वहां पर कि जैसे ये हमने प्लेट को चार भागों में बांटा, ठीक है, जीरो से लेकर के ये आपकी विषय लाइन है, ये जीरो से 90 एंगल, 180, 270 और 360। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहा जाता है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहां याद करने का तरीका था ASTC, आर स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, याद करने का तरीका अपना जो भी आपको याद करना हो। ए बोले तो ऑल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कॉट क्यों होते हैं वो बाद में बात की जाएगी। एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। टी का मतलब टैन, टैन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। और सी का मतलब कॉस उल्टा सेक पॉजिटिव और सब निगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे फार्मूले हमने बताए, बिना फार्मूला जाने आप नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 है और एक्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जो एक्स है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऐसा बोल रहा है। तो बताए अन्य जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो निकालिए। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा अभी साइन एक्स का कौन सा रिश्तेदार, कॉस एक्स का कौन सा रिश्तेदार है जो कॉस के साथ रिलेशन बनाता है। तो हम जानते हैं साइन और कॉस का रिश्तेदारी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू रख दी -1/2 का और स्क्वायर, तो ये 1/4 हो गया, उधर ट्रांसफर कर दिया, ये 3/4 आ गया। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3/2। अब हमको देखना पड़ेगा कि भाई साइन एक्स को प्लस ले या माइनस ले। सबसे सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी देख लो, पहले से किताब को पलट दो, बस आंसर माइनस तो माइनस लिख दो, आंसर प्लस तो प्लस लिख दो, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो छोड़ो। आप कहां पे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ, अभी हमने कहा था ASTC, यहां पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। इन भाई साहब को निगेटिव कर दो, ठीक है, इनको निगेटिव कर दो, तो आप लिखेंगे कि एस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन एक्स क्या लिखा जाएगा, माइनस का √3/2, ये निगेटिव आ गया, साइन एक्स निकल आया। अब आपको टैन एक्स निकालना है, और टैन एक्स क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस, टैन एक्स इज इक्वल टू होता है, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप वैल्यू रखोगे प्लस माइनस आ जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू आ गई -√3/2 और कॉस एक्स आ गई है -1/2, इसको 2 कैंसिल कर देंगे तो ये प्लस का √3 आ जाएगा। अब आपको कॉट एक्स कहिए, कॉट एक्स टैन का उल्टा होता है, 1/tan x होता है, 1/tan x होता है, इसको पलट दो तो 1/√3 हो जाएगा। अब आपको sec x चाहिए, sec x किसका उल्टा होता है, sec x cos का उल्टा होता है, तो ये 1/cos x हो जाएगा, तो cos x की वैल्यू पलट दो, उल्टा कर दो, -2 हो जाएगा। फिर आपको cosec x चाहिए, cosec x sin का उल्टा होता है, 1/sin x, तो sin x को पलट दो, -2/2। तो दीज आर द वैल्यू, मेरी राइटिंग जरा गंदी है फिर भी समझने को आ रहा है क्या लिखा है, इसमें आ रहा है, आ ही रहा होगा, ठीक है, लिखिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बस यही तरीके सबके हैं, ध्यान रखिएगा, बस आइडेंटिटी आपको देखनी पड़ेगी कि किसका रिश्ता किसके साथ यहाँ पर है, ठीक। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, मतलब आइडेंटिटी से वैल्यू निकालेंगे और प्लस माइनस डिसाइड करेंगे कि वो जो एक्स है ना, जो एंगल जिसके बारे में बात की जा रही है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करो, सेकंड क्या कह रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और एक्स कहां पर है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट एएसटीसी लिखिए और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। तो पहले तो देखना पड़ेगा कि साइन के साथ निकाल किसको सकते हैं। तो आप जानते हैं साइन के साथ आइडेंटिटी किसकी होती है, कॉस की होती है। तो वी नो दैट, क्या वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल वन होता है। तो ये थ्री अपॉन फाइव का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल वन होता है। तो इसको जब होल स्क्वायर खोलिए, अब ये नहीं करेंगे कैसे खुलेगा, ये आप जानते हैं 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल वन होता है। तो कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो 1 - 9/25 आएगा, इसको एलसीएम लिया तो 16/25 आएगा। तो आएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू +-4/5। अब आपको प्लस लेना है माइनस लेना है, तो आप चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो आप लिखेंगे हियर कॉस एक्स इज इक्वल टू -4/5। क्यों, एज एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सभी पूरी नहीं होगा, हो गया कॉस एक्स। अब आपको टेन एक्स निकालो, टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स अपान, अब आप कहेंगे सब टेन निगेटिव ले या पॉजिटिव ले, अपने आप निगेटिव आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने से जहां पर प्लस माइनस आया वहां डिसाइड करना है। यहां तो साइन की जगह रखोगे, साइन क्या है 3/5 और कॉस की रखोगे -4/5, 5 कट जाएगा तो -3/4 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कॉटेक्स निकालना है, कॉटेक्स चूंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है इसको पलट दो, -4/3 हो जाएगा। अब आपको sec x निकालना है, sec x cos का उल्टा होता है, cos को पलट दो -5/4। देखिए माइनस कहीं भी आप लगा सकते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, लेकिन वो चूंकि यहाँ ऊपर लगाया जाता है इसलिए हमने ऊपर लगाया है। अब आपको cos x चाहिए, वो होता है आपका 1/ sin x, sin को पलट दो तो sin कहाँ निकला है 3/5, 5/3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो दीज आर द वैल्यूज, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है भैया कॉट एक्स है 3/4। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट एक्स जो है वो 3/4 है और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्स जो है ना वो कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचो एएसटीसी, अभी हमने बताया था टी माने टेन कॉट पॉजिटिव होंगे। तो पहले तो कॉट की रिश्तेदारी किसके साथ है, तो आप कहेंगे कॉट की रिश्तेदारी टेन के साथ है, वो तो वो उल्टा है, दूसरे का मुसरा है। उल्टा मतलब सर्किबल कॉट तो टेन सीधा, सर्किबल टेन तो कॉट सीधा। आइडेंटिटी कैसे साथ है, हम कॉसेक के साथ जानते हैं, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा और हमारा इसके लिए वीडियो पड़ा हुआ है, हमने बना के डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया, देख लीजिएगा आ जाएगा। वी नो दैट 1 + cot² x = cosec² x, ये हम जानते हैं। वैल्यू रखो उठा करके, वन सब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 9/16 = cosec² x, इसको एलसीएम लो तो आएगा 25/16 = cosec² x। जब इसको आप cosec x निकालेंगे तो आएगा +-5/4। अब पॉजिटिव लेना है निगेटिव लेना है, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है और हम पढ़ चुके हैं थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसको निगेटिव कर दो। तो इस पे लिख देंगे cosec x इज इक्वल टू -5/4, क्योंकि x कहां पर है, एज x इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए अब किसको निकाल सकते हैं आप, cosec उल्टा कर दो साइन निकल आएगा, cot को उल्टा कर दो tan निकल आएगा। तो यहां साइन x निकालो, जब साइन x निकालोगे तो cosec का उल्टा हो जाएगा 1/cosec x, यानी कि माइनस का 4/5। अब साइन का रिश्तेदारी कॉस के साथ होती है, तो आप यहां पर आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। साइन एक्स दिया है -4/5,
स्क्वायर करो तो कितना आएगा 25 बाई सिक्स, सॉरी उल्टा हमने स्क्वायर कर दिया है, 16 बाई 25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब यहां से आप कॉस स्क्वायर एक्स निकालेंगे 1 माइनस 16 अपॉइंट 25 एलसीएम लोगे तो आएगा 9 अपॉइंट 25 कॉस एक्स आएगा प्लस माइनस 3 अपॉइंट 5। अब प्लस या माइनस वही चीज थर्ड क्वाड्रेंट कॉस निगेटिव होता है, यहां पर हियर कॉस एक्स आएगा वो माइनस का 3 बाई 5 होगा। तो कॉस भी निकल आया, साइन भी निकल आया, कॉस एक्स से साइन निकल आया, कॉट निकल आया, टेन निकाल लो। तो टेन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स का उल्टा होता है, वन अपॉन कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को पलट दो तो फोर अपॉन थ्री हो जाएगा, फोर अपॉन थ्री हो जाएगा। सेक एक्स निकाल लो, सेक एक्स कितना उल्टा होता है, कॉस एक्स का उल्टा होता है, कॉस को पलट दो, कॉस साहब कहा है, कॉस साहब ये है, तो माइनस फाइव बाई थ्री हो जाएगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया होगा, फिर उसकी आइडेंटिटी किस तरीके से साथ होती है, होती है तीन आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन। देखिए तीनों आइडेंटिटी में लिखे दे रहा हूं, एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस होना क्या होना ये हमको मालूम है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फोर्थ कह रहा है कि sec x है 13 अपॉन 5, फोर्थ sec x है 13 अपॉन 5 और x है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, x जो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, यू यू ई क्वाड्रेंट, फोर्थ में पहुंच जाइए फट से ASTC। तो वहां हमने क्या बताया, cos और cos का उल्टा sec, तो sec तो पॉजिटिव ही है, इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे cos x निकाल लें। देखिए आइडेंटिटी इसका उल्टा होता है, 5/13 मिल जाएगा। अब हम sec की आइडेंटिटी 10 के साथ निकाल लगा सकते हैं, या cos मालूम हो गया है तो आप sin निकाल लो, एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी कोई भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने sec लिखा हुआ है आप 10 निकाल लो, इससे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 निकल आएगा, ठीक है। तो यहां जब वैल्यू रखेंगे वो आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस इसका स्क्वायर करो तो 25/169 इज इक्वल टू 1, उसका शिफ्ट करो। अब ये सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, 1 माइनस 25/169 एलसीएम लोगे तो आएगा 144/169। तो जब साइन एक्स निकालोगे तो आएगा आपका प्लस माइनस 12/13। चूंकि एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन साफ नेगेटिव होते हैं, तो हियर जो साइन एक्स आएगा वो माइनस का 12/13 आएगा। अब साइन मालूम हो गया, कॉस मालूम हो गया, अब टेन एक्स निकालो। अब आप कहेंगे साहब टेन एक्स का सेक के साथ आइडेंटिटी होती है तो क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, भाई हम जानते हैं टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपान कॉस एक्स होता है, और साइन एक्स आप निकाल चुके हैं माइनस 12/13। कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स है 5/13, ये माइनस 12/5 हो जाएगा। अगर आपको कॉट एक्स निकालना है तो टेन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसे कॉट निकाल लो माइनस 5/12। अगर आपको कॉसेक एक्स निकालना है, अगर क्या तो निकालना है तो कॉसेक एक्स साइन का उल्टा होता है तो माइनस का 13/12 हो गया, साइन निकल आया, कॉस निकल आया, टेन निकल आया, टेन का उल्टा कॉट सेक कॉसेक सब निकल आया, कुछ बचा, हाँ सब निकल आया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। सब बताने का मतलब ये नहीं आप चीटिंग करेंगे, यू डू बाय योरसेल्फ वेन यू विल हैव प्रॉब्लम देन यू कैन सी द सोल्यूशन। देखिए ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बस सभी लोग दे रहे हैं कि आपको जहां दिक्कत हो वहां दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें दिया टेन एक्स माइनस 5/12 माइनस 5/12
और x लाई करता है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कहां पर है? इन सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब देखिए टैन की आइडेंटिटी किसके साथ होती है? तो टैन की आइडेंटिटी होती है sec के साथ, एस वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। अतः सेकेंड क्वाड्रेंट जैसे आएंगे वहां आप जानते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। तो वन प्लस इसको करेंगे क्या है 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेंगे तो आएगा 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। जब sec x निकालेंगे स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 13 अपॉन 12। अब चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहां जो sec x निकलेगा हियर जो sec x निकलेगा वो माइनस का 13 अपॉन 12 निकलेगा, sec x आ गया। अच्छा sec को पलट दो cos x भी कराएगा, cos x क्या होता है 1 अपॉन sec x, तो sec x को पलटोगे तो माइनस का 12 अपॉन 13 आएगा। कॉस की आइडेंटिटी साइन के साथ होती है तो आइडेंटिटी लगा दोगे, कौन सी आइडेंटिटी होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? वन होता है, आइडेंटिटी हम जानते हैं पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैल्यू रख उठा करके तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और जब कॉस का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1। अब ये नहीं करना था, माइनस माइनस का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, इसको उधर शिफ्ट कर दो 1 माइनस 144 अपॉन 169। एक सेकेंड, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस 144 अपॉन 169। अब एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 25 अपॉन 169, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 5 अपॉन 13, और यहां पर साइन एक्स क्या लिया जाएगा पॉजिटिव, यह साइन एक्स इक्वल टू 5 बाई 13। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो गया, साइन हो गया कॉस हो गया टैन हो गया, टैन का उल्टा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स निकाल लो, तो कॉट एक्स निकालेंगे तो टैन को माइनस 12 बाई 5 हो जाएगा, sec x भी निकल आया cos भी आया और कुछ बचा tan का cot cosec निकाल लो, cosec x जो है sin का उल्टा हो जाएगा cosec x आएगा 13/5। तो दिस वे यू फाइंड ऑल द वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद 180 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा बहुत सारे फॉर्मूले हमने बताए हैं वो यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, वहां बहुत सारे फॉर्मूले हैं 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, उन्हें जरूर देख लेना। फिलहाल इस प्लेलिस्ट में पूरे पड़े हुए वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं बुक में कुछ फॉर्मूले होंगे उनसे देख लीजिए। देखिए जैसे सेवेंथ क्वेश्चन है वो कह रहा साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। अब देखो 765 डिग्री जो है ना वो 360 से कितने आसपास है सर्च करो, तो हम जानते हैं अगर 360 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 आएगा, और 720 से 45 से बड़ा है, यानी इसको लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। और हमने बताया साइन n इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा, ये साइन 45 की वैल्यू है, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 निकल आया, ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर, ये सिक्स क्वेश्चन नंबर है ना सेवंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉसेक माइनस 1410। अब पहले तो कॉसेक माइनस थीटा लगाएंगे, माइनस हमने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और वहां कॉसेक नेगेटिव होता है, तो आएगा माइनस कॉसेक 1410। अब 1410 को देखो 360 से कितने टाइम्स जाने पर इसके नजदीक पहुंचेंगे, तो देखो अगर 360 को 4 बार मल्टीप्लाई कर तो 0, 4, 6, 24 और हाथ आया 2, 4, 14, 1440 नहीं तो 30 माइनस कर दोगे तो 1410 आएगा, लगभग हम इसके पास पहुंच गए, ठीक है। बस यही फॉर्मूला हो गया माइनस कॉसेक, सो लिखेंगे 4 इंटू 360 माइनस 30 और n इंटू 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहां प्लस हो जाएगा प्लस कॉसेक 30, और कॉसेक 30 क्या होता है साइन का उल्टा होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है।
तो दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, देखिए वो जरूरी है। नाउ कम टू एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 19 पाई बाई थ्री, टेन 19 पाई बाई थ्री। देखिए जो पाई के टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते होते नहीं, मेरी कह रहे तो पाई को हटा दो पहले अपनी जानकारी के लिए। 19 इंटू पाई 180 डिग्री होता है, 5 3 18 60 आ जाएगा, टेन 19 की टेबल याद है नहीं याद है तो चले 54 आते हैं, 5 6 5 11 1140 आएगा, 16 5 95 16 6 114 याद नहीं सॉरी 19 5 95 16 114 होता है, ठीक है। अब 1140 को 360 के आसपास सर्च करो, देखो 360 को अगर तीन बार मल्टीप्लाई करें, 18 3 9 10 1080 आएगा, अगर 1140 में 1080 आप माइनस कर देते हैं तो 60 आएगा, जी हाँ 60 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाता है, 10 3 इंटू 360 प्लस 60 1140 आएगा, और tan n इंटू 360 प्लस थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, रूट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नाउ कम टू 9th क्वेश्चन, सर फटाफट बताया जा रहा है कि फॉर्मूले आपको याद ही करने हैं, याद करने मतलब हमने वहां तरीका बताया है कि फॉर्मूले कैसे याद हों, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा एक बार। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th कह रहा है आप साइन माइनस 11 पाई बाई 3, साइन माइनस 11 पाई बाई 3, तो पहले तो साइन माइनस थीटा, अब जानते माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई को लिख दी 60/3, सॉरी क्या लिख रहा है 180/3, तो 3 6 18 60 आएगा, माइनस साइन 11 6 60 660 आएगा। अब 360 और 660 360 बोल देंगे 720 आएगा, और 720 का 660 से अंतर कितना होता है, 0, 60 आएगा, हाँ ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस तो पहले से लगा है ना यहाँ पर, ये 2 इंटू 360 720 और माइनस 60, 660 छोटी संख्या है ना, 60 छोटी है उससे, और साइन n इंटू 360 माइनस थीटा है, माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा, फिर क्योंकि माइनस होता है माइनस पहले से है, प्लस साइन 60 और साइन 60 वैल्यू होती है रूट 3/2। तो दिस इज क्वेश्चन 9th, कम टू द 10th क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, कॉट माइनस थीटा लगा दीजिए पहले, तो कॉट थीटा होता है तो आएगा कॉट 15 पाई हो गया 180/4 यानी कि 45। अब 15 से 45 से गुणा कर दो तो 15 दुना 30 दिया 45 चौको 60 25 75 के 5 आते हैं 7 15 चौको 60 67 670 आएगा, हमें नहीं मालूम देख लीजिएगा 15 का पहाड़ा पड़ा 15 25 75 आते हैं 7 15 चौको 60 ये आएगा। अब इसको देखो किसके बराबर है, 360 इंटू 2 करेंगे तो 720 आएगा, उसमें से अगर 675 माइनस कर दो तो 45 आ जाएगा, 5 5 10 7 4 11 हाँ 45 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप कॉट 2 इंटू 360 माइनस 45, ये माइनस कॉट 45 है और कॉट 45 माइनस 1 वैल्यू हो जाएगी, तो दिस इज द यही हुआ ना कॉट है ना, हाँ कॉट है, एक मिनट कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये 45 है। तो दिस इज द एक्सरसाइज 3.2, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू, गुड नाइट, गुड इवनिंग, नहीं गुड नाइट क्योंकि यहाँ पर नाइट है।